हमीरपुर में जमीनी विवाद में सोते समय महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले को बता रही है संदिग्ध। जालौन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी, निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा। हमीरपुर में तहसील दिवस बना मजाक, अधिकारी अपने अपने मोबाइल में गेम खेलते रहे, कुछ सोते मिले। जालौन में सपा का जिला स्तरीय सम्मेलन, इस सम्मेलन में सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था रहा। जालौन में स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी, असलाह तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने तस्कर के कब्जे से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। गोरखपुर और फरुखाबाद में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के बाद अब जालौन जिला प्रशासन नींद से जाग गया है और सिटी मजिस्ट्रेट ने जालौन के उरई मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की संख्या चौंकाने वाली है, मेडिकल कॉलेज में मात्र 7 सिलेंडर पाए गए हैं, जिनको देखकर सिटी मजिस्ट्रेट ने डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई की बात कही है। इस पल पर से निरीक्षण किया गया कि चारों तरफ जो अस्पतालों में देख रहे हैं कि बच्चों की मृत्यु हो रही है, ये चेक करना था कि यहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है। चेक किया गया, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। स्टाफ नर्सों ने बताया था वहाँ पे बच्चों के वार्ड में कि हमारे पास गैस वो ऑक्सीजन है, परंतु जब चेक किया गया तो खाली पाए गए। मेडिकल कॉलेज का ये चिल्ड्रंस वार्ड है, यहाँ से डॉक्टर नदारत मिले और यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था भी खराब है। और जब ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि सारे सिलेंडर भरे हैं, लेकिन जब चेक किया गया तो खाली मिले। कुल पूरे इसमें मेडिकल हॉस्पिटल में मात्र 7 ऑक्सीजन सिलेंडर पाए गए, जो यहाँ के पेशेंट को देखते हुए बहुत ही कम है। इसमें व्यवस्था ठीक से नहीं की गई, साफ सफाई नहीं है, वार्ड नंबर 2 पर पानी नहीं आ रहा, सफाई नहीं है, शौचालय बहुत गंदे हैं और दवाओं की बहुत कमी है, डॉक्टर भी अनुपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से मरीजों को यहाँ पर उस तरह की सुविधा नहीं है जिस पर्पज से ये हॉस्पिटल बनाया गया। अब इसके विरुद्ध जो है मैं पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाकर के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजूंगा और इसमें विशेष रूप से रुचि लेकर के इसमें कार्रवाई की जाएगी, यहाँ की असुविधाओं को दूर किया जाएगा। इस जांच के दौरान उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज की लापरवाही उजागर हुई है और इस लापरवाही पर सिटी मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जालौन से सुशील नायक, न्यूज 75.in।